हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धावा। सो है गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग गाइस। तो आज आपसे मिलाने वाले एक कुछ ऐसे बच्चों से जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करते हैं जो कि हमारे गुजरात में। तो आइए मिलाते हैं हमारे देवरिया जिला से और सिवान जिला से कुछ बच्चे हैं, दो चार बच्चे हैं। मतलब अभी तो हमारे फिलहाल में साथ में चार बच्चे हैं और दो चार उधर हैं दूसरे बोगी में, और आपसे मिलाते हैं। पहले बाबू, आपका नाम क्या है? सुधांशु। सुधांशु, कहाँ पढ़ते हो? द्वारका, गुजरात। द्वारका, तो वहाँ पे फ्री में आपको पढ़ाया जाता है। तो भाई यहाँ की इनका नाम पूछते हैं पहले, आपका नाम क्या है? आयुष दुबे। आयुष दुबे, और आपका जी? वीरेंद्र कुमार। और ओ मेरा छोटा बाबू, देख सकते हो भाई, इसका तुम्हारा नाम क्या है जी? सिद्धेश्वर कुमार पांडे। तो इन सो गाइस, अभी सुनते हैं इन लोग से कुछ वेद का मंत्र है जो अभी भाई लोग हमारे सुनाएंगे। सुना विष्टाय आपो भवन्तु भीतये सन्तु। और कोई? हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धावा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टने विहि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु, बृहदस्वा मरुतः वृष्णे मातरः, सुभञ्जावानो विदधे कुजग्मयः, अग्निर्जिह्वा मनवः, सूरतक्षसो विश्वेनु देवाः वसागमन्निः, भद्रांगणे शृणुयाम देवा, भद्रां पश्येमा सविजत्राः, स्थिरैरङ्गै दृष्ट्वागुसस्तनुर्वसेम हि देवहितं जदायुः, सकमिन्नु शरदो अन्तिदेवा, यत्र न चक्राचरसं तनूर्नाम पितरो भवन्ति मानो, मध्यारीरिकतायुर्गन्धौ अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः, विश्वे देवा अवसा अदिति, पञ्चजना अदितिर्जातम् यो शान्तिरन्तरिक्षगु, शान्ति पृथिवी, शान्तिराप, शान्तिरोपदय, शान्ति वनस्पतय, शान्ति ब्रह्म, शान्ति सर्वगो, शान्ति शान्तिरेव, शान्ति सामा, शान्तिरेधि हरि ओम। वहाँ पे सुना कि तुम लोग यार फ्री में पढ़ते हो? हाँ, एकदम फ्री, एक भी रुपया नहीं लगता है? एक भी रुपया नहीं, मतलब मिलता भी है। मिलता भी है पैसा? हाँ। रिटर्न पैसा मिलता है, देख सकते हो भाई, वहाँ पे पढ़ने पर रिटर्न पैसा भी मिलता है, क्या ये बात सच है जी? मतलब कैसे मिलता है इसका कुछ? जैसे नहीं, पढ़ाई में पढ़ाई क्या करते हो वहाँ पे? वेद की पढ़ाई करते हैं। वेद की? किस चीज़ से वेद की पढ़ाई करते हैं? कौन सा वेद? अथर्ववेद पढ़ते हैं। तो गाइस ये लोग अभी अथर्ववेद वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे उसका पढ़ने का पैसा भी मिलता है। तो पहली बार हम देख रहे हैं कि पढ़ने का पैसा मिल रहा है, हम लोग को देना पड़ता है, यहाँ पे मिल रहा है। तो गाइस कितना मिलता है पैसा? मंथली 1000। सर सोच सकते हो गाइस, मतलब पढ़ना भी फ्री और खाना होना सर, खाना भी फ्री, रहना भी फ्री, और यार मंथली इनकम 1000 भी है। तो गाइस बहुत ही अच्छा स्कूल है, जिसको अगर वेद पढ़ना है, अर्थवेद चाहे कोई भी, मतलब वहाँ पे जो भी पढ़ाया जाता है द्वारिका में, बहुत ही अच्छा पढ़ाया जाता है। तो वहाँ भी पढ़ सकते हो गाइस फ्री ऑफ कोर्स, वहाँ पे पढ़ाया जाता है, जो कि द्वारिका जो गुजरात में पढ़ता है हमारा वो कौन सा। तो दोस्तों वहाँ पे जो हमारे कृष्ण भगवान का द्वारिका वहाँ पे मंदिर है, और बहुत ही अच्छा मंदिर है, कभी आइए तो वहाँ पे घूमिए और विजिट करिए। गुजरात में जो द्वारकाधीश है वहाँ पे द्वारका भेड़ भी है, वहाँ पे मतलब समुद्र का किनारा है, वहाँ पे बहुत ही अच्छी जगह है घूमने के लिए। और हमारे जो भाई है दो चार, मतलब ये भी है, मतलब पांच छह भाई हैं साथ ही में हमारे देवरिया जिले और सिवान जिले के, अपने यूपी और बिहार के ही है। तो भाई ये भी वहाँ ही प्रॉपर वहीं पर पढ़ते हैं लोग। और इन लोगों का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, इन लोगों का विचार कैसा लगा पढ़ने का, और ये लोग वेद पढ़ते हैं
अभी हम लोग तो ऐसे दूसरा पढ़ाई पढ़ते हैं, ये लोग वेद पढ़ते हैं, तो मतलब वेद पढ़ने में बहुत ही फायदा यार, आजकल वेद बहुत ही काम कर रहा है। तो यार भाइयों से मिलकर अच्छा लगा, और आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइए जरूर, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये बाय बाय एंड जय हिंद।